जहाँ से हम अभी होकर के आए हैं वो 27 वर्षों के बाद वहाँ मैं गया पहली बार। पूज्य आचार्य जी भी शायद उसके बाद पहली बार गए। वो भैरव कुंड, बंदरगुड़ी, उदालगुड़ी, ये जो एरिया था पूरा जहाँ से हमने सेवा शुरू की थी वहाँ से अभी अभी हम लौटे हैं। और रास्ते में मनेश्वर वसमतारी और सरमती वसमतारी का जो घर है, जहाँ अभी जो शहीद हुए हमारे अभी पुलवामा में, उनके घर आते हुए और पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने हमारा जो बेटा विवेक डागा ने कहा कि हम कुछ बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो 70-80 बच्चों ने मिलकर के करीब 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और श्रद्धांजलि के रूप में आज हम उस जो है सनमती वसुमतारी को हम प्रेम से उनको अर्पित करके आए। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारी सेवा की यात्रा यहाँ से शुरू हुई भैरव कुंड से। पहली बार मैं गुवाहाटी में कब आया था, 2005 में। तो 2005 से लेकर के अभी तक की इस यात्रा के सारे हमारे पतंजलि के परिजन आप सब यहाँ पर हैं। और जिस समय हम लोगों को 10-20 लोग जानते थे, आज मैंने पूछा वहाँ भैरव कुंड में, भाई जब हम पहले आए थे तब तो हमारे सफ़ेद कपड़े थे और दाढ़ी भी छोटी छोटी थी, बाल भी छोटे थे, इतने बड़े नहीं हुए थे और पूरे काले थे। अभी मैंने कहा सफ़ेद भी हो गए थोड़े। तो मैंने कहा 27 साल पहले के लोग कितने बैठे हैं यहाँ, तो उस सभा में 50 लोग उस समय के बैठे हुए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग हमको नहीं भूले और हम भी उनको नहीं भूले। देखो मैं बड़े रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने हरिद्वार में यात्रा शुरू की अपनी ये सेवा की, क्योंकि हम लोगों का कोई ना तो कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है कि कोई मठ मंदिर के कोई हमारे बड़े कोई महंत रहे हों। भाई ये 100, 200, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी पीठ है। हम लोगों ने अपनी सेवा की यात्रा को बहुत श्रद्धापूर्वक प्रारंभ किया। हमसे लोग आते थे 5-10 रुपए से लेकर के, और कोई बहुत ज्यादा देता था तो हमको 500 रुपए दान देता था। उस समय हमारे पास में 10-15 विद्यार्थी रहते थे तब भी, जब हमारे पास कुछ नहीं था। 2-1 लोग सेवा में रहते थे, बाकी हम सब अपने हाथों से खुद काम करते थे, अपने हाथों से दवाई बनाते थे, अपने हाथों से पतीला धोते थे, अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे। पूज्य आचार्य जी और हम खुद आपस में ही खाना पकाते थे। 1-2 लोग रहते थे थोड़ा सहयोग करने के लिए, उन लोगों को हम लोग 500 रुपए दे दिया करते महीने में, इससे ज़्यादा हमारे पास होते ही नहीं थे। जिन लोगों को हम उस समय 500 रुपए दिया करते थे वो आज पतंजलि में 25,000 से 50,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं। उस समय 500 रुपए में खुश थे, अब वो 25,000-50,000 में खुश हैं। हमने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि जो हमारे पास में है वो हमें देना है देश को। आप लोगों को आज खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों के दिए हुए 1-1 रुपए को हमने सेवा में लगाया और करीब पिछले इन 25-27 वर्षों में कम से कम उसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया जाए, जो पतंजलि की संस्थाएं और सब बनाया, तो कम से कम 11,000 करोड़ रुपए की चैरिटी हुई। उसको सदुपयोग करके उसको मल्टीप्लाई किया सेवा में, लोग व्यापार में मल्टीप्लाई करते हैं। और जो सेवाएं हुई, माने करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला, करोड़ों लोग रोग मुक्त तनाव मुक्त हुए, लोगों की बीमारियां बुराइयां दूर हुई, लोगों के जीवन में जो खुशहाली आई, उनके जीवन में जो प्रसन्नता आई, उसको सब चीज़ों का तो मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब खुशी को कैसे आप इवेल्युएट करेंगे इकोनॉमिकली, लेकिन जो करोड़ों लोग जिनकी बीमारियां दूर हुई हैं उनको यदि इवेल्युएशन किया जाए तो कम से कम 10-20 लाख करोड़ रुपए की सेवाएं पतंजलि के द्वारा हुई।
किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी का मोटापा, किसी का गैस, किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरह की बीमारियां दूर हुई। इतनी बड़ी सेवाएं पता मेरी से हुई। और इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि हम व्यक्तिगत रूप से थोड़ा लोगों से कम मिल पाए, क्योंकि अभी भी 18-18, 20-20 घंटे लगे रहते हैं। कम से कम 10 बजे से लेकर के, और अपवाद रूप में अब तो सप्ताह में एक दो दिन तो गड़बड़ हो ही जाती है, 12-12 बज जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे से हमारा दिन शुरू हो जाता है, और इस दरमियान करीब 20 लाख किलोमीटर की हमने यात्रा की। और आज हमें कहते हुए गौरव है कि दुनिया के यदि 750 करोड़ लोग हैं तो उसमें से आधी आबादी को योग के बारे में पता है, आधी आबादी। मैंने ये भस्त्रिका क्या होता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या होता है, शीर्षासन क्या होता है, योग क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, इसका परिचय पतंजलि की ओर से हमने करवाया। फिर यहाँ ये जो आप देख रहे हो, अभी इसको व्यवस्थित रूप से विधिवत स्टार्ट करना है, बन तो काफ़ी दिनों से गया है ये, यहाँ पर भी अभी बड़ी सेवा होगी। तो पहले तो हमें प्रसन्नता है कि आप सब ने, आप तो बड़े दाता हैं हमारे, 1-1 लाख रुपए से लेकर के 11-11 लाख और उससे ज़्यादा भी जो है। अब ये जो भूमि है जहाँ पर ये योगपीठ बन गया अभी यहाँ पर, इसकी कीमत ही करोड़ों रुपए है, आप सबके सहयोग से हुआ है। और अब जब ये इसको व्यवस्थित रूप दे दिया जाएगा और पूरा पंचकर्मा, षटकर्मा, हॉस्पिटल और सारी चीज़ें यहाँ शुरू होंगी, तो आप लोगों को इसका पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक तरफ हमें प्रसन्नता है कि आप सबके दिए हुए दान का हमने 100% सदुपयोग किया है, 99 नहीं। हम लोगों के लिए, आप लोगों ने तो हमको देखा ही है, संन्यास के बाद में ज़्यादा जुड़े हो आप लोग, गुवाहाटी वाले, बंदरगुड़ी वाले सफ़ेद कपड़ों में हमको देखा हुआ है। यही दो कपड़े पहले थे, यही दो खड़ाऊ पहले थे, पहले भी ज़मीन पर सोते थे, अभी भी दरी बिछा के सोते। अभी हम लोग एक कार्यक्रम में आबू धाबी चले गए तो वहाँ जो कमरा बुक कर रखा था उन लोगों ने कार्यक्रम में, मैंने पूछा भाई इसकी फीस कितनी है, तो रोज़ की बोले कि 5 लाख की है। अब हमने कहा भाई हमको तो ज़मीन पर सोना है, तुमने इतना बड़ा बुक क्यों किया, बोलिए तो स्टेटस सिंबल है। अब आज हम कहीं जाते हैं तो लोग 5-10 लाख रुपए के सूट में भी कभी कभी हमको ठहरना पड़ता है, वैसे ठहरना नहीं चाहते। कई किसी कार्यक्रम में गए तो अब जाऊँ उन्होंने बता दिया, वहाँ तो हम जा करके वहाँ दरी पर बिछा करके सोते हैं हम। खैर, तो एक तरफ हमें खुशी है कि ये बहुत बड़ी सेवा आपके दान से हुई है। हमने आपके दान से ना जहाज खरीदा, ना हेलीकॉप्टर खरीदा, ना गाड़ी खरीदी, ना घड़ी खरीदी, ना मोबाइल खरीदा। हम लोग अभी भी ऐसे कई 2 रुपए वाला पेन रखते हैं, ये तो आज किसी ने दे दिया है शायद आचार्य जी को, 10-20 रुपए वाला लिखने के लिए आया। हम लोग कभी कोई लग्जरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं की, वही साधारण रहना जीना, लेकिन जो अपने से बन पाए वो सेवा करना वो हमने की है। और आप लोगों को भी इस बात से खुशी है कि जो आप लोगों ने सेवा की उसका देश नहीं पूरी दुनिया को लाभ मिला है, ये तो आपकी संतुष्टि है। लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए इसका हमें थोड़ा अफसोस भी रहता है, और जो पुराने लोग हैं शिकायत भी करते रहते हैं बाबा जी आपसे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा कम मिलना हो पाता है। तो आज इसलिए व्यक्तिगत मिलने का कार्यक्रम रखा है कि एक एक से मिलके थोड़ा परिवार के जो साथ आए थे परिवार के, नहीं तो एक बार व्यक्तिगत रूप से भी उनकी थोड़ा नमस्ते भी हो जाएगी, फोटोग्राफ भी हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा ही नहीं बाबा अभी भी हमसे मिलते हैं। और हमारे अंदर भाव आपको बताई दिया, कोई हम लोग कभी भी 1 मिनट भी कभी कोई आराम नहीं करते, बात देखिए ऐसा कभी भी मन में नहीं रखना कि आपको हम भूल गए। आप हमेशा हमारे मन प्राण आत्मा में थे, हो और रहोगे, और आपके लिए हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको भगवान जीवन का सब प्रकार का सौभाग्य।
और क्योंकि अभी हम मीडिया में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, यहाँ कोई अपना आस्था वालों को छोड़ के मीडिया वाले नहीं हैं। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो होने के बाद आपको ज़्यादा पता लगेगा। थोड़ा सा सूचना दे देते हैं अभी। 1835 में मैका लेने जैसे हमारे बाबा ने एक पाप किया यूरिया ला करके, फिर अब उसको धोना चाह रहे हैं। ऐसे इस देश में बहुत बड़ा पाप हुआ था। इंडियन एजुकेशन एक्ट लगा करके देश में करीब 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे, लगभग वो गुरुकुल बंद हो गए। अब 7 लाख में से 700 भी नहीं बचे। और पूरा जो है हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम था वो नष्ट हो गया। अभी हमने एक तो जो गुरुकुलीय सिस्टम है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और मॉडर्न एजुकेशन के साथ, अर्थात साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाए जाए, हम उसके पक्षधर हैं, कंप्यूटर, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए, लेकिन अपना देश का कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, वो भाषाओं के माध्यम से, खास करके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर और जो झूठा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है सोशल साइंस और हिस्ट्री में, उसकी जगह पर सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए। तो इसका काम अब एक सेंट्रल बोर्ड, आज ही उसकी स्वीकृति हुई है, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड पहला देश का 70 वर्षों के बाद सेंट्रल लेवल पर एक प्राइवेट बोर्ड बन रहा है, उसका संचालन पतंजलि करेगा। ये देश बदलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मॉडर्न एजुकेशन के साथ में जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और भारत का सच्चा इतिहास, ये सब पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये CBSE से भी ज्यादा बड़ा बोर्ड हम बना देंगे। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, 10-15 साल का, जैसे 25 सालों में हमने योग को शिखर पर पहुंचाया है, ऐसे ही मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति होगी, हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान की सोच बदलेगी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बदलेगी। क्योंकि जो हम होते हैं अपनी सोच विचार से होते हैं, थॉट्स, इमोशन और एक्शन, ये तो पूरा लाइफ का साइकिल है। ये काम भी बहुत बड़ा आज ही हुआ है, इसलिए आज आपको बता दिया है। कुछ हाथ खड़े कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे? ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा ही अप्रूव होकर के हो रहा है। ये प्राइवेट बोर्ड मतलब गवर्नमेंट से एफिलेटेड, जैसे यूनिवर्सिटी का पूरा UGC से पूरा आपके पाठ्यक्रम को और यूनिवर्सिटी को मान्यता होती है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में ऐसा नहीं होता था। ये पहली बार है। देखो CBSE एक ही बोर्ड है जो सेंट्रल बोर्ड है, और ICSE बोर्ड है वो भारत की आज़ादी से पहले बना हुआ था, वो ईसाइयत का उसमें, बाकी जितने भी बोर्ड हैं अभी तक बने हुए हैं सब स्टेट बोर्ड्स हैं, अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड हैं। तो ये इसके अतिरिक्त पहला बोर्ड होगा जो सेंट्रल बोर्ड होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो अब बहुत बड़े बड़े काम हैं, तो अब ऐसा किया करो आप लोग, इस कार्य में आप लोगों ने पहले बहुत आहुतियाँ दी हैं, जैसे पूज्य आचार्य जी ने बोला, आप लोग 1 से 10% तक जिसका जैसा सामर्थ्य है पतंजलि की सेवाओं में आहुति दो। ये मत सोचो, आचार्य जी कह रहे हैं कि 10% तो कम से कम, तो हमने तो 100 का 100% दे रखा है, कुछ बचा के रखा नहीं, इसलिए हो रहा है। अब लोग ना एक थोड़ा सा एक ये वायरस आ गया कई जगह ना, अब तो बाबा जी बहुत समर्थ हो गए, हमारे दान की क्या जरूरत है, कुछ मुस्करा रहे हैं ऐसा कह सुनते हैं, ऐसा नहीं है, अब और ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो एक बोर्ड में बताया कि ये तो देश बदलने वाला पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे। अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी आने वाले 5-10 वर्षों में हो जाएगा, होगा उसका काम एक तरफ का हो गया, उसकी भूमि ले ली गई है, करीब 1,500 एकड़ जमीन ले ली गई है दिल्ली के पास, बनाएगा उसमें सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी होंगे और एंसेंट एजुकेशन भी होगा उसमें, ये भी काम करेंगे। और ये सारे कामों के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम आने वाले 10-15 सालों में ही 25-30 हजार करोड़ रुपए इस सारे काम में खर्च होंगे। कितने है? जोर से तो बोलो, 25-30 हजार करोड़ रुपए इस सारी सेवाओं में। तो इसमें थोड़ी थोड़ी आहुति आप लोग देते रहना, नहीं तो अपने गांव में कहावत है ना, बोला 5 मामाओं का भांजा भूखा मरे, वो हाल मत करियो, घना राजस्थानी होते समझो, वो मामो सोचे कि वो कर देगा, वो मामो सोचे वो कर दे, वो भांजो भूखा मरे,
उनको डूब भी ना दे। तो आप लोग ये कि स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी तो अब पतंजलि तो बहुत समर्थ संस्था हो गई है, अब तो सब काम चल ही रहा होगा ना, अभी काम बहुत बड़े बड़े हाथ में लिए हैं, तो आपका साथ सहयोग चाहिए। एक बार आप सबका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।